जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसा है कि आज है ख़त्म तो हम त्याशड़ हो गए हैं, बस ब्रश वगैरह करते हैं, बाल सेट वगैरह करते हैं, कपड़े मैंने पहन लिए तो चलते हैं। तो आ जाए चलते हैं जी। हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, शामनाथ अपनी बहन के घर के बाहर, तो कैमरा साहब हमारे साथ हैं, ये देखें चलते हैं बस ख़त्म वाली साइड पर। कजन्स वगैरह के सारे घर इधर ही हैं, काफ़ी कजन्स इधर रहते हैं। देखें गाड़ियाँ खड़ी हैं, शामराज इधर देखें शलवार कमीज पहनी हुई है आज। तो आ जाएं चलते हैं फिर आपको खत्म पे जाके आप सबकी मदद करूंगा। सुना शामरात क्या कर रहा है, फाइनली खत्म तो हो गया है, बस देखें लोग बैठ खड़े हुए। इधर शामरात क्या कर रहे हैं, उठे जल्दी से जाए मामा पास, मामा पास चले जाएं। फाइनली रोटी शोटी खुल गई है, रोटी खाने लगी है सारे बैठे हुए। हाँ जी ख़त्म हो गया था सीन कुछ ऐसे, मैं फ्री हो गया था लेकिन सारे कज़न उधर ही थे, तो अभी मुझे छोटा सा काम था तो मैं गाड़ी पे आया हूँ। तो मैंने कहा मैं अपना काम कर लूँ तो फिर ख़त्म वाले घर पे चलते हैं थोड़ी देर तक अपना काम करके, तो काम करते हैं अपना, चलते हैं अंदर तो बाद में आप सबको मिलते हैं। जी सीन कुछ ऐसे कि अपने काम से फ्री हो गए थे तो फिर कज़न के घर चले गए थे, उधर से घर वालों को लेना था, उनको ले लिया शाम रात वगैरह को, तो उसको मैं मैकडोनल्ड आया हूँ शामराज के साथ, तो चलते हैं अंदर। तो आ जाए और शामराज कॉन्स का वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है ये देखें, जैसे देख सकते हैं। और शामराज तंग क्यों कर रहे हो आप, ना करो ना यार बेबी, जाओ गाड़ी में चलो। फाइनली हम अपनी कॉन लेके बाहर आ गए हैं और सिंपल कॉन भी लेनी है अंदर जाके, तो ये गाड़ी में देते हैं तो फिर चलते हैं कॉन्स लेने फिर। ऐसे कि घर वालों को घर पे छोड़ दिया है, तो अब सीन ऐसे कि मुझे एक काम है फिर से,
तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, कुछ पर्सनल होते हैं, सारा कुछ व्लॉगिंग में नहीं डाल सकते ना, तो समझा करें आप सब लोग। तो उसके बाद देखते हैं फिर काम करके कज़न की तरफ जाना है कि नहीं जाना, जो भी होगा तो आपको बता देंगे। तो देखते हैं फिर चलते हैं, थोड़ी देर घर पे रेस्ट करके ना फिर चलते हैं। घर वालों को छोड़ के हम कज़न की तरफ आ गए थे। ये देखिए चौक में खड़े हैं, बोतलें पी रहे हैं, और ये देखें हसन शाह साहब मटका सोडा पी रहे हैं, और ये हाजी साहब बैठे हुए हैं। चुबा जी इधर देखें जरा, मामू मामू जिन्हें नाना का जूस पीना सी वो कितने गया है, मर गया चुबे इधर आए आड़े जी। रात को कजन्स की तरफ से वापस आ गए थे, तो अभी अभी उठे थे थोड़ी देर पहले, तो शॉवर लिया, फ्रेश हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए। तो सीन कुछ ऐसे कि अभी दादाबू के साथ जाना है कजन के घर, तो कजन के घर चलते हैं दादाबू को लेके। तो आ जाए लेने आए हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ मामू के साथ, मामू बाइड कर। अभी हम चौक में आए हैं बोतल पीने के लिए, सीन कुछ ऐसे है कि सीसीपीओ साहब आ रहे हैं अफसोस करने के लिए, उनका इंतजार कर रहे हैं सारे। तो जब आते हैं तो फिर ब्लॉग भी बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो बोतल पीते हैं की, ये देखें बोतल पीते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं वापस। जी अभी अली के पास उनकी बैठक में बैठे हुए हैं सीसीपीओ साहब, तो अभी तक आए नहीं, उनका इंतजार सब कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं फिर ब्लॉग भी बनाएंगे। और ये बच्चा पार्टी भी आ गई है, ये देखें जरा। तो जो भी होगा साथ साथ आपको बताते हैं, कोई ठंडा पानी पीते हैं तो फिर बताते हैं आपको। जी अभी मैं और अली रियान आए हैं ये समोसे खाने के लिए, और ये देखें रियान और के हम हैं, तो समोसे ढोल खाते हैं जल्दी से फिर चलते हैं वापस। ये समोसे आ गए हैं साथ में, ये क्या चीज़ है अली रियान? ये सोसेज। ये यार सोसेज की नहीं, ये क्या, ये जो स्टार बने हुए क्या है, दो स्पेशल मलाई बोटी टिक्के हैं और दोने के स्टार वाले। ये नगेट्स कौन से स्टाइल के आ गए भाई? स्टार वाले। और वो चलें ये खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। जी सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको बताया था सीसीपीओ साहब ने आना है, तो चाचू को कॉल आ गई थी कि मैं कल आऊंगा, उसकी कोई मीटिंग वगैरह थी, तो अब कल आएगा तो कल व्लॉग बनाएंगे, देखते हैं अब क्या करना है। तो जो भी होगा आपको साथ साथ बताते हैं, तो थोड़ी देर तक मिलते हैं। जी घर वापस आ गए थे कज़न की तरफ से, तो मैंने कपड़े चेंज किए, अभी मैंने कहा सोने का टाइम हो गया है। तो सीन कुछ ऐसे था कि सीसीपीओ ने आना था लौड़ के, उसने अफसोस करने के लिए, तो वो नहीं आ सका, अपनी मीटिंग में मसरूफ था। उसने सुबह 2 बजे का कहा हुआ था मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो हम रात 8-9 बजे तक उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसकी कॉल आ गई चाचू को, तो वो इसलिए नहीं आ सका, अफसोस करने आना था उसने, तो वो नहीं आ सका। तो फिर उसने कहा मैं कल आऊँगा, तो कल जब आएगा तो फिर व्लॉग भी बनाएंगे। तो मैंने सोचा इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो लाइक करना हुआ वो आप लोगों की मर्ज़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।